इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप कहीं भी देखें ना तो हर जगह इंग्लिश की ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे से छोटे इंटरव्यू होते हैं तो कहीं भी हम ऑफिस में कहीं जाते हैं तो इंग्लिश में ही लिए जाते हैं, और अगर हम किसी से बात करते हैं आज तो हम इंडिया में, कल को देश से बाहर जाएंगे इंडिया से, तो वहाँ तो इंग्लिश ही चाहिए हमें। मैंने अपनी क्लास में स्टार्ट किया था इंग्लिश पढ़ाने का, तो उसमें प्रॉब्लम साइन थी कि बच्चों को कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे पास क्लास आई थी वो किड्स थे तो उनके 5 और 6 ईयर्स के, बट उनको कुछ नहीं पता था कि कैसे ओवर राइट करते हैं, पेंसिल कैसे पकड़ते हैं। तो उनके लिए क्या किया मैंने कि जब हम लोग की लास्ट ईयर स्कूल स्टार्ट हुआ था तो उसमें ट्रेनिंग हुई थी, उसमें फोनिक्स पढ़ाया गया था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट हुआ था, उससे मेरी प्रोनंसिएशन बहुत ठीक हुई। तो मैंने सोचा कि अब हम एडल्ट होने के बाद हम इसके ज़रिए अपनी प्रोनंसिएशन ठीक कर सकते हैं, तो बच्चे तो स्टार्टिंग से ही इसमें ही ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएगा। टीचर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, इंग्लिश अपनी प्रोनंसिएशन ठीक करनी पड़ेगी, ताकि बच्चे की प्रोनंसिएशन ऐसी ना हो जैसे सबकी होती है, मतलब ख़राब ना हो। वो अब अपनी मेहनत करेगा तो बच्चा भी फिर उसी के जैसा टीचर करती है तो उसकी कॉपी करता है बच्चा। खुद को ट्रेन होना पड़ेगा बच्चों को सिखाने के लिए, ऑब्वियसली जब हमें ही नहीं आता होगा तो हम बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे। वही जो हमारे साथ हो भी चुका है, हम ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं कि हमें ट्रेनिंग दी जाए अच्छे से अच्छे बच्चों को सिखाने के लिए। हम लोग जाते थे घर पर अपने रीडिंग करते थे, एक एक पहले 1 ग्रेड की पढ़ी, 2 ग्रेड की पढ़ी हमने बुक्स, उसके बाद हम लोग रेगुलर अभी तक हम 5 वोकैब्स रेगुलर याद करते हैं, उन वोकैब्स को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। पहले तो हम जैसे यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो पढ़ते थे, अब भैया जैसे पढ़ाते हैं जैसे हम पहले वाज पढ़ते थे, बट अब हम वोज पढ़ते हैं उसे, तो हम बच्चों को भी वही सिखाते हैं। आई पढ़ते थे अब आई पढ़ते हैं, हम बच्चों को बताते हैं बच्चों ये आई नहीं है आई है, आई पढ़िए, तो बच्चे इंप्रूवमेंट हो रही है बच्चों की। उसमें स्टार्टिंग में पढ़ाते थे तो हमें बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता था कि अरे अगर हमने ये सेंटेंस गलत बोल दिया तो कहीं भैया ने पकड़ लें और कहीं हमें डांट ना दें या हमारी इंसल्ट ना हो जाए। तो उसके बाद ये बेनिफिट हुआ, अब हम क्लास में जितनी भी इंग्लिश यूज़ करते हैं वो 100% तो नहीं, मतलब 99% ठीक ही होती है, क्योंकि अगर कुछ हमें लगता है कि हाँ ये सेंटेंस कुछ गलत सा लग रहा है तो हम उसको जा करके हम थोड़ा उसको भैया से पूछ लेते हैं क्या ये क्या सेंटेंस सही है, तो बोल देते हैं इसमें थोड़ी मिस्टेक है, उसको सही कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रैकर्स का यूज़ किया है हमने इंग्लिश के उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे वोकैब वगैरह बच्चों को नहीं, अगर हम रोज़ाना कॉपी में लिखवाएंगे उनको याद करवाएंगे तो बच्चा अगर उसे यूज़ ना करे तो भूल जाता है, तो हमने इस चीज़ के लिए बहुत सारे ट्रैकर्स बनाए हैं। और हम क्या करते हैं कि जैसे चार्ट वगैरह बनाते हैं उसमें वोकैब वगैरह लिख लेते हैं और उन्हें साइट वर्ड्स लर्न करवाते हैं, तो हम एक चार्ट पे जो है अपनी क्लास में वॉल पर चिपका देते हैं, तो बच्चा जो है अगर रेगुलर उस चीज़ को देखेगा तो उसके माइंड में बैठ जाएगा कि ये वोकैब है।